पुलिस की भर्ती हुई थी, पुलिस के भर्ती में क्या क्या आपको न्याय मिला है कि नहीं, मैं जवानों से पूछना चाहता हूं, पुलिस की भर्ती में न्याय मिला है कि नहीं मिला है? सबसे ज्यादा यदि गड़बड़ी हुई है तो आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं उसकी बहुत डिटेल में जाकर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, 2-3 जिलों तक ही सारे लोगों का चयन पुलिस में हुआ है, लेकिन इंटरव्यू के नाम पर यह धांधली होती रही है। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, बहनों भाइयों क्लास 4 के लिए अब जो भी नियुक्तियां होंगी, पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी नियुक्तियां होंगी, अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई मां का लाल भ्रष्टाचार करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। आपके ऊपर भरोसा करते हुए, आप भारत के नागरिक हैं, आपके ऊपर हमारी सरकार को गौरव है। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी फैसला किया है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चों को, जवानों को अपनी ही सर्टिफिकेट, अपनी ही मार्कशीट को सत्यापित कराने के लिए, अटेस्ट कराने के लिए कभी अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और कभी एमएलए और एमपी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा का इंसाफ है इस देश के नौजवानों के साथ, जो वह नौजवान भी भारत का नागरिक ही है और उसे नेताओं और अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़े। यह फैसला किया कि यदि आप अपनी मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना चाहते हैं तो मेरे बहनों भाइयों, अब आपको अधिकारियों और नेताओं का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, बल्कि उस पर आप स्वयं लिख देंगे कि मैं सत्यापित करता हूं और नीचे आप हस्ताक्षर कर देंगे, वह सत्यापित मान लिया जाएगा। ये सरकार सज्जनों की मित्र है और दुर्जनों को सज्जनता के रास्ते पर लौटाने के लिए उपयुक्त वातावरण को तैयार करने के पक्ष में है।